नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक का। मेरी इस समय मौजूदगी है, आपका ट्रेन में बैठा हुआ हूँ मैं और दिल्ली मेरा जाना हुआ, वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी गया मैं, मेट्रो स्टेशन पर और आगरे में भी आपका मेट्रो स्टेशन है और दिल्ली में भी मेट्रो स्टेशन है। तो कुछ डिफरेंसेस है, उनमें क्या डिफरेंस है वहाँ के यहाँ के मेट्रो स्टेशन के बारे में? तो सबसे पहले इसमें परिचय दीजिए, अपने नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरसलान है। कहाँ से हूँ? मैं मेरठ से हूँ, यूपी। अभी फ़िलहाल कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो हम विशाखापट्टनम जा रहा हूँ। कहाँ? विशाखापट्टनम। हाँ, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जा रहे हो और मेरठ आपका निवास है? मेरठ। तो वहाँ मेट्रो स्टेशन वगैरह है? नहीं, मेट्रो स्टेशन है लेकिन मेट्रो भी चालू नहीं हुई है वहाँ पर। हाँ, वहाँ की चालू नहीं हुई है? चालू नहीं हुई है वहाँ पर। आपको क्या कहना है, जैसे कि आगरे में एक मेट्रो स्टेशन बन चुका है और दिल्ली में भी बन चुका है, तो आपको क्या फ़र्क लगता है कि मतलब यहाँ टिकट सस्ती है या यहाँ वहाँ टिकट महंगी है, क्या है? देखो, इतना तो मुझे खैर पता नहीं है लेकिन वो तो अभी पता चलेगा जब मेट्रो चालू हो जाएगी टिकट विकट के बारे में। तो आप मतलब मेरठ प्रॉपर मेरठ की निवासी है? मेरठ। हाँ, मेरठ की कुछ खासियत, कुछ खास बात बताओ मेरठ की। मेरठ की तो सारी खासियत ही है सब, मेरठ की तो बहुत खासियत है। जैसे कि एक बताएं। मेरठ की तो मैं काहे की खासियत बताऊँ, बदमाशी की खासियत बताऊँ। हाँ, वैसे हाँ मैंने सुना है वहाँ पर बदमाशी बहुत होती है। हाँ, मेरठ तो मेरठ ही है। और जैसा कि श्रीमान ने बताया, मेरठ पर तो एक मतलब अलग तरह की मतलब कह सकते हैं गुंडा टाइप के लोग हैं। हाँ, मतलब मेरा तो सब एक जैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी मेरठ थोड़ा अलग है, मतलब लड़ाई दंगे के लोग हैं। हाँ, अभी मेट्रो वहाँ स्टार्ट नहीं हुई है? स्टार्ट नहीं हुई है अभी वहाँ पर। तो कब तक स्टार्ट हो जाएगी कुछ पता है? तो इतना तो मुझे मालूम नहीं है, खैर हाँ फिर जल्दी में हो जाएगी। हाँ, उसका वो उद्घाटन भी हो चुका है उसका। अच्छा 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 हाँ, तो शीघ्र स्टार्ट हो सकती है मेरे। हाँ, मतलब जल्दी में हो जाएगी लेकिन पता नहीं है मुझे अभी। लेकिन जो आगरे में मेट्रो स्टेशन है और जो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है, इसमें मैंने आज जाकर देखा, बहुत फ़र्क मिला मुझे यहाँ और वहाँ में। मतलब वहाँ एक तो ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ एकदम आराम से बैठने की सुविधा है, यहाँ इतनी भीड़ भाड़ धक्का धक्का पड़ी, क्या कहोगे इसके बारे में? अच्छा, मतलब फिर तो मैं दिल्ली का सही लगाया या आगरे का सही लगाया मेट्रो? मुझे तो फिर आगरे का सही लगा। अच्छा, असल में दिल्ली में भीड़ भीड़ ज़्यादा रहती है ना, लोग ज़्यादा आते जाते हैं, आगरे में इतनी भीड़ नहीं रहती, इस वजह से दिल्ली में ज़्यादा परेशानी दिक्कत हो जाती है इस वजह से। ठीक, धन्यवाद। श्रीमान ने बताया, खैर इन्हें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, क्योंकि ये भी मेरठ के निवासी हैं और मेरठ में अभी मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है, अभी उद्घाटन हुआ नहीं उसका और अभी टाइम लग जाएगा मेट्रो स्टेशन बनने में। आज मेरा आना हुआ था आपका दिल्ली, और वहाँ मेट्रो स्टेशन पर भी मैं देखा और आगरे भी मेट्रो स्टेशन देखा हुआ है मैंने, लेकिन मुझे फ़र्क ये लगा कि आगरे में जो मेट्रो स्टेशन है ज़्यादा बेहतर लगा दिल्ली से। तो वहाँ पर एक तो कंजेस्टेड एरिया काफ़ी है दिल्ली में, एक ही कंपार्टमेंट एक ही डिब्बे में हजारों यात्री घुस रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आगरे में। मैं राकेश दिवाकर, पब्लिक क्लास से।